हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपसे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपसे बर्नौली थ्योरम के बारे में। दोस्तों इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए टेलीग्राम पर चैनल आपके लिए बना दिया गया है। आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको दोस्तों डेली जैसे ही वीडियो आपको अपलोड होगी टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वीडियो सभी देख सकेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप को नहीं रखा तो आप टेलीग्राम ऐप को रखिए और दोस्तों वहाँ से हमारे करंट स्टडी को ज्वाइन करें। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वहाँ टेलीग्राम पर आपको सभी वीडियो मिल सकेगी। ठीक है, कुछ दोस्तों का कमेंट आता है कि सर हमें पार्ट वन मिला है, पार्ट वन टू नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, पार्ट वन पार्ट टू में अपलोड करता हूँ, चूँकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए दोस्तों पार्ट वन पार्ट टू में अपलोड करता हूँ। तो क्या होता है कि आपको पार्ट वन मिलता है तो टू नहीं मिल पाता है, टू मिलता है तो थ्री नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं आपके लिए टेलीग्राम पर चैनल बना दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सभी वीडियो आप प्राप्त करें। ठीक है, तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम बर्नौली थ्योरम के बारे में। ये जो आपको हम बताने वाले हैं टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों पेपर्स के नजरिए से देखा जाए तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ये आपका 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपका प्रमेय पूछा जाता है, इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसको कैसे मतलब प्रूफ करना होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इसका पूरा उत्पत्ति कैसी होगी ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताएंगे। आप बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए जैसे निगमन प्रूफ कैसे होता है सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। प्लीज चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। फर्स्ट सेमेस्टर के खास स्टूडेंट आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीडियो लगातार अपलोड करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ का कमेंट ये भी आता है कि सर हमारा मतलब कि सिलेबस, आपके सिलेबस की जहां तक बात है मैं आपका सिलेबस पेपर्स के पहले बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल आप परेशान ना हो, आपका मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी आपका होगा, आपका दोस्तों पेपर्स के पहले सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आप धैर्य रखें, आपको वीडियो जल्दी मिलती रहेगी। दोस्तों बात करते हैं बर्नौली थ्योरम की। तो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक ये है कि पहला बर्नौली थ्योरम कहते किसे हैं। तो दोस्तों कहते किसे हैं, जब कोई आदर्श द्रव, मतलब आदर्श द्रव किसे कहते हैं, जिसे आप असंपीड और असान्य द्रव। ठीक है दोस्तों, आप बुक्स में आप देखिएगा ये आदर्श द्रव क्या होता है, आदर्श तरल जो होता है, ये सब क्या होते हैं, सब कुछ इसमें आपको डिटेल्स में पढ़िएगा। हम इस टॉपिक में जो बात करेंगे आपसे बर्नौली थ्योरम क्या है ये आपको जानने के बताएंगे। तो जब कोई आदर्श द्रव बिना किसी घर्षण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर तरल के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग जो होता है स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कुल ऊर्जा क्या है दोस्तों, कुल ऊर्जा में आपका दाब ऊर्जा आता है, गतिज ऊर्जा होगी और स्थितिज ऊर्जा होगी। सब कुछ हम आपको फार्मूले के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इसका दोस्तों यही डिफिनीशन है आपका, थ्योरम ये है, जब कोई असान या असंपीड द्रव, या आप कह सकते हैं आदर्श द्रव, जब कोई आदर्श तरल बिना किसी घर्षण के एक स्थान से दूसरे स्थान धारा रेखी प्रवाह, मतलब किसी पाइप से दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कोई पाइप से धारा रेखी प्रवाह है, मतलब कि एक धारा रेखी प्रवाह में बिना किसी घर्षण के अगर प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर, कोई पाइप से उसके क्या प्रत्येक बिंदु पर तरल के एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थिर होती है। अब क्या होता है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आइए इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों फार्मूला आपका होता है, मेन फार्मूला ये होता है आपका पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कैसे इसका प्रूफ किया जाता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो इसको आप, ये मैक्सिमम ईयर्स आया हुआ है इसलिए मैं इस टॉपिक्स को आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, आप पूरा वीडियो दोस्तों देखते रहें। दोस्तों आप क्या होगा, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो आपका होता है फार्मूला। अब बात करते हैं कि आपका इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये आप, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि दाब, वेग और गुरुत्वीय शीर्ष क्या होते हैं। आपसे प्रेशर, वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल हेड पूछा जाता है, ये क्या है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, जो आपको ये फार्मूला दिया है सभी में रो जी से डिवाइड कर दीजिए। किससे दोस्तों, रो इंटू जी से डिवाइड कर देंगे तो जो आपको मिलेगा वो आपके होंगे क्या, ये प्रेशर, वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल हेड होंगे। ठीक है, शीर्ष होंगे। तो अगर आप पी बाई रो जी करेंगे तो आप क्या होगा, ये होगा आपका प्रेशर हेड अर्थात दाब
शीर्ष होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हाफ रो वी स्क्वायर को रो जी से डिवाइड करेंगे तो आपका दोस्तों ये जो बचेगा इसमें कितना होगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वी स्क्वायर बाई रो जी। ये क्या होगा, ये आपका वेलोसिटी हेड होगा, ठीक है, वेग शीर्ष होगा। अगर रो जी एच को हम डिवाइड कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, एच, रो जी से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एच बचेगा। अब इसमें दोस्तों ये है आपका पी है दाब ऊर्जा, ये है आपकी गतिज ऊर्जा और ये है आपकी स्थिति ऊर्जा, ठीक है। ये है प्रेशर आपका एनर्जी, ये है आपकी काइनेटिक और ये है आपका दोस्तों क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हमने बताया कि आपके पहले तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, पी प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, स्थिर होता है, ठीक है। सदैव आप किसी भी पॉइंट पर लगाएंगे ये जो ऊर्जा होगी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, तो आपको रो इंटू जी से इसी में से सबको डिवाइड करना है, जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, शीर्ष होंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको फिर से बता भी दिया गया है कि पी बाई रो जी क्या होता है, दाब शीर्ष होता है, वी स्क्वायर बाई टू जी वेग शीर्ष होता है और एच जो बता है वो आपका गुरुत्वीय शीर्ष होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता हुआ दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके प्रूफ कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये क्या हुआ कि आदर्श द्रव के धारा रेखी प्रवाह में मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और आपका गुरुत्वीय शीर्ष का योग क्या होता है, कांस्टेंट, सदैव ऑलवेज स्थिर रहता है। तो अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बर्नौली समीकरण कैसे प्रूफ किया जाता है, तो आइए प्रूफ देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको इस फिगर को समझना होगा कि ये क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक पाइप्स को लिया गया है, इस एरिया का इस जो A1 है वो आपका ज़्यादा है, A2 क्या है, कम है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, ये जो है इधर का एरिया ज़्यादा है पाइप का, इधर का एरिया कम है, ठीक है। तो इधर की जो वेलोसिटी होगी सब कुछ आपको बताएंगे, पहले आप देखते रहिए। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ एक पाइप को जो लिया गया है ये आपको क्या है, एक इधर की हाइट H1 ली गई, इधर की हाइट H2 ली गई है, ठीक है। तो जो ये हाइट है ये H1 है, ये आपका क्या है, H2 है। H1 की हाइट क्या है, H2 से अधिक है, H1 इज ग्रेटर देन H2 है। क्यों दोस्तों, तभी आपका पाइप क्या होगा, तिरछा होगा, ठीक है। तभी आपका पाइप क्या होगा, तिरछा होगा, तभी आपका ये हाइट, इसीलिए H1 H2 लिया गया कि पानी आपका जो होगा, वाटर होगा, आपका तरल पदार्थ होगा, वो नीचे की ओर आएगा। ये कैसे होता है इसको पहले आप समझिए। ये दोस्तों पहला पॉइंट आपको लिखने की बात करते हैं, तो उसमें लिखना होगा, माना किसी आदर्श दो या धारा रेखी प्रवाह किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY, इसकी जो ली गई है, ये आपकी जो मतलब पाइप है या नली है आप कह सकते हैं, ये क्या है, XY है, ठीक है। इसकी जो आप लिए हैं ये XY नली है, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की दोनों की बात करें, तो इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। अगर इधर के A1 है तो इधर का तरल पदार्थ का वेलोसिटी V1 होगा और इधर का आपका क्या होगा, V2 होगा, ठीक है। इधर का दोस्तों आप बात करें प्रेशर की, बात करें P की, बात करें तो आपका P1 होगा और इधर आपका क्या होगा, P2 होगा। अगर इधर की दोस्तों हम बात करें तो आपका ये हाइट H1 होगा और इधर आपका क्या होगा, H2 होगा। अब कौन कम होता है, कौन ज्यादा होता है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या होगा कि आपने माना किसी तरल आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में ये आपका फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट कि माना नली X के सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A1 है, हमने जैसा कि बताया, तो उसका वेलोसिटी द्रव का वेग क्या है, V1 है, ठीक है। और द्रव का दाब कितना है, P1 है। तो ये क्या हुआ, X सिरे, तो X सिरे के पृथ्वी तल से हाइट कितनी ली गई है, हाइट H1 ली गई है। ये सब पहले आप फिगर को बनाएंगे, जब आपको फिगर को बना लेंगे तो आप अच्छे से उसको डोनोट करेंगे अर्थात प्रदर्शित करेंगे, तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है आपको प्रूफ में क्या करना है, ये स्टेप लिखने के बाद आपको जस्ट आपको क्या करना है कि आपको फिगर को बनाना है, उसके बाद आपको सभी एक एक पॉइंट को प्रदर्शित करना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार आपका वाई सिरा होगा, उधर का एरिया क्या होगा, A2 होगा और वेलोसिटी V2 होगी, प्रेशर आपका P2 होगा और आपका हाइट क्या होगा, H2 होगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा होगा दोस्तों, जैसा कि यहां पर सब कुछ डिनोट किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, A2 का मान A1 से कम होगा, क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A1 का ज्यादा लिया गया है, A2 का क्या है, कम है, तो A1 इज ग्रेटर देन A2 है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या है, V2 का मान A1 से अधिक होगा, क्यों होगा दोस्तों, आपको अवृतता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, अवृतता का सिद्धांत होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2,
ठीक है। ये सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात आपने पढ़ा होगा ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया का और वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। वास्तव में देखा जाए तो आपका ये एकांक आयतन होता है, ये आपका दोस्तों ए जो होता है ये तो क्षेत्रफल हो गया, वी यहाँ वेलोसिटी है, लेकिन ये एक सेकंड में चली गई जो दूरी होती है वो होता है आपकी जो दूरी हो गई, दूरी क्या होगा क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या हो गया आयतन, इसीलिए दोस्तों वी को यहाँ पर दूरी माना जाता है। आगे प्रूफ में यही आपको समझना है ये दूरी क्यों माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हुआ दोस्तों A2 का जो मान है A1 से कम है और V2 का मान V1 से अधिक है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ऐसे ही देखकर समझ में आ गया कि इसका एरिया ज़्यादा इसका एरिया कम है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी जिसका एरिया, दोस्तों जैसा कि अवृतक सिद्धांत क्या कहता है कि आपका A1 V1 बराबर A2 V2, मान लीजिए दो यहाँ पर A1 V1 बराबर A2 V2 हमने लिया, अगर आपका A1 कम होगा, ठीक है, अगर आपका दोस्तों यहां पर A1 अधिक है तो वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आपकी एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी और वेलोसिटी कम है तो एरिया, कुल मिला के दोनों का गुणनफल सदैव कांस्टेंट आना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाला द्रव, अब यहां से आपको उत्पत्ति जो प्रूफ करने का है शुरू होता है, अब आपको अच्छे समझना है। यहां पर दिया है कि एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाला द्रव एक सेकंड में V1 दूरी तय करता है, कितना V1 दूरी तय करता है, तो इस पर एक बल कार्य करता है। अब बल बराबर आप दोस्तों जानते हैं एक फार्मूला होता है P बराबर F बाई A, अगर F इक्वल लिखेंगे तो F इक्वल P इनटू A लिखेंगे, तो इसी प्रकार बल क्या होगा P1 A1, क्या होगा बल P1 A1 कार्य करेगा किस पर एक सिरे पर, ठीक है। तो एक सिरे पर क्या हो रहा है, एक सिरे पर एक पॉइंट और समझिए, एक सिरे पर द्रव क्या कर रहा है, द्रव पर किया गया कार्य, ना कि आपका द्रव कार्य कर रहा है, यह पॉइंट आपको बहुत समझना जरूरी है कि यहां पर द्रव पर किया जा रहा है कार्य ना कि द्रव कार्य कर रहा है, ठीक है। एक होता है द्रव पर किया गया कार्य, एक होता है द्रव द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। लेकिन यहां पर एक सिरे पर जो होगा वो एक सिरे पर द्रव पर किया जाएगा कार्य, क्योंकि आप वाटर को एक पाइप से दुआएंगे तो आप कार्य कर रहे हैं ना कि द्रव कार्य कर रहा है, लेकिन जब आप वाई ट्यूब पे आएंगे तो जो वाई सिरा है उस पर द्रव द्वारा किया जाएगा ना कि आप करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझिए, तो यहां पर दिया गया है कि एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन या दोस्तों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा P1 A1, जैसा कि हमने बताया कि जब इंटर करेगा तो वहां पर फोर्स कार्य कर रहा है P1 इंटू A1, तो आपको दोस्तों प्रवेश करा रहे हैं द्रव को, तो आप कितना उस पर कार्य कर रहे हैं ये आपको निकालना होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखते रहिए, ठीक है। तो आपको वर्क निकालने के लिए P1 इंटू A1 होगा इंटू V1। अब आप कहेंगे कि यहां पर विस्थापन पर दूरी हमको रखना चाहिए, V1 क्यों रखा जा रहा है, तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि चूंकि एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी है V1 है, इसलिए यहां पर P1 इंटू A1 इंटू V1 रखा जा रहा है, ठीक है। P1 इंटू A1 इंटू V1 रखा जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट आपका यह दिया गया है कि P1 इंटू A1 इंटू V1 दिया गया है। अगला पॉइंट आपका होगा वाई सिरे पर, तो वाई सिरे की बात करते हैं, तो वाई सिरे में निकलने वाला द्रव क्या है, वाई सिरे की बात करेंगे तो आपका उतना ही फोर्स कार्य करेगा, कितना P2 इंटू A2, क्यों दोस्तों यहां पर जो आपका फोर्स प्रेशर होगा और क्षेत्रफल होगा कितना होगा P2 इंटू A2 होगा, वहां पर आपका था P1 इंटू A1। अब अगले पॉइंट ये है दोस्तों कि वाई सिरे पर, अब यही हमने आपको कहा कि वाई सिरे से निकलने वाला द्रव द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, यहां पर दोस्तों हमने जब एक्स सिरे पर किया तो द्रव पर किया गया कार्य, हमने द्रव पर खुद मतलब द्रव को जो प्रवेश कराया तो उस पर कार्य किया, लेकिन वाई सिरे से जो निकल रहा है द्रव वो द्रव द्वारा किया जाएगा कार्य, ऑटोमेटिक वो द्रव निकलेगा, अर्थात क्या होगा यहां द्रव पर किया द्रव द्वारा कार्य किया जाएगा। तो वही पॉइंट आपको समझना है कि जो किया जाएगा कार्य वो होगा P2 इंटू A2 इंटू V2। V2 क्यों लिया गया है, क्योंकि एक सेकंड में क्या है ये जो वेलोसिटी है एक सेकंड में, जैसे V1 दूरी तय करता है ठीक उसी प्रकार एक सेकंड में ये वाई सिरे और V2 दूरी तय करता है। यहां वेलोसिटी को दोस्तों डिस्टेंस माना गया क्योंकि एक सेकंड में वो चली गई आपकी दूरी होगी V1, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखिएगा कि यहां पर V1 को स्पीड है, यहां V1 दूरी के रूप में लिया गया है, ठीक है। स्पीड तो है लेकिन एक सेकंड की बात की जा रही है, इसीलिए आपको क्या हो गया वो दूरी होगी। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों,
अगला पॉइंट ये है आपका कि आपने W1 निकाला, W2 अर्थात X पे सिरा प्रवेश कराया द्रव को, और Y2 पे दूसरे सिरे पे, Y सिरे पे X पे प्रवेश किया, Y पे द्रव निकला। तो दोनों पर जब निकला तो आपका क्या होगा, W1 पर हमने कार्य किया, W2 कार्य हमें प्राप्त हुआ। तो प्रति सेकंड द्रव द्वारा नेट कार्य क्या हुआ, मतलब कार्य किया और कार्य प्राप्त हुआ। तो अब आपको ये भी जानना जरूरी है कार्य कौन सा ज्यादा होगा, तो आपका जो कार्य आपने किया है वो आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपका पी वन माइनस ए वन इंटू वी वन माइनस पी टू इंटू ए टू इंटू वी टू आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको निकालना होगा नेट कार्य। तो पहला पॉइंट आपको W1 निकालना है, दूसरा पॉइंट है W1, W2 निकालना, फिर W1 माइनस W2 आपको नेट कार्य निकालना है, ठीक है। जब आपका नेट कार्य निकल आएगा तो अब अगला पॉइंट ये है। अब आपको दोस्तों इसके बाद आपको एनर्जी से तुलना कर, आपको जैसा पता होगा दोस्तों डेल्टा के इक्वल टू क्या होता है, W, मतलब जो आप कार्य करते हैं वो एनर्जी के परिवर्तन के इक्वल होता है, ठीक है। एनर्जी के क्या होता है, परिवर्तन के इक्वल होता है, इसलिए आपको आगे एनर्जी के इक्वल दिखाना होगा। तो पहला, अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको दोस्तों आवर्तता का सिद्धांत पता है कि ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एरिया होता है, ये आपका दोस्तों क्या होता है, ये ए वन क्या है आपका एरिया है, वी वन क्या है वेलोसिटी है, लेकिन आपको हमने क्या बताया ये दूरी है, इसलिए ये एकांक आयतन है। क्या दोस्तों, एकांक आयतन, जैसे देख रहा है ए वन वी वन तथा ए टू वी टू क्रमशः प्रति सेकंड एक सिरे पर प्रवेश करने वाले तथा वाई सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव के क्या है, आयतन है, जो कि क्या होंगे, बराबर होंगे। आवर्तता का सिद्धांत यही कहता है दोस्तों आपके कि ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू सदैव कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है आपका, ये एकांक एरिया है, तो एकांक आपका आयतन है, ठीक है। और आयतन बराबर आपको पता होना चाहिए दोस्तों द्रव्यमान बटे क्या होता है, घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, घनत्व बराबर होता है आपका एम अपान वी, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, इसको आप नीचे भेजेंगे तो आपका द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, द्रव्यमान एम आपको यहां पर दिखाया गया और घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, इसलिए एम बाई रो लिख दिया गया, जैसा कि यहां पर फार्मूला भी आपको देख गया, आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू की जगह पर एम बाई रो, कैसे, ये आप समझिए कि जो आपको दिया है ए टू वी टू, ये एरिया इंटू वेलोसिटी दिया है, ये आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दोस्तों फिर से बता रहे हैं ये आपका एक दूरी के रूप में, चूंकि एक सेकंड में वो चली जा रही है, जो एक सेकंड में वेलोसिटी है वो आपका दूरी होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है, आप समझ लीजिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। जब एकांक समय की बात कर देंगे तो समय आपका टी क्या हो गया, वन हो गया, तो जो चाल होगी वही आपकी क्या होगी, दूरी होगी, इसीलिए यहां पर वेलोसिटी को दूरी माना गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों ए वन वी वन इंटू ए टू वी टू, ये आपको दिया गया, इसकी जगह पर एम बाई रो। तो आइए दोस्तों इसको जैसे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसा कि आपको यहां देख रहे हैं दोस्तों, तो एम क्या है दोस्तों, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का क्या है, द्रव्यमान है, रो उसका क्या है, द्रव का घनत्व है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों ए वन वी वन ए टू वी टू की जगह पर समीकरण तीन में क्या, जैसा कि आपको दिया दोस्तों वहां पर ए वन वी वन की जगह पर एम बाई रो और यहां पर भी एम बाई रो। जैसे ही आप दोस्तों यहां पर रखेंगे एम बाई रो, आप क्या लिख सकते हैं, एम बाई रो आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहां पर पी वन माइनस पी टू की जगह पर एम बाई रो, ये मिलेगा आपको। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके जगह पर आपको क्या होगा, ये आपने निकाला नेटवर्क, अब आपका ये नेटवर्क निकल आया, अब जो नेट कार्य आपको निकला है इसको आप रोकेंगे, यहीं पर आपको रखना है। अब आपको निकालना है क्या, एनर्जी। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने आपको बताया जो होता है डेल्टा के इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू, तो ठीक है एनर्जी के इक्वल आपको जो एनर्जी में परिवर्तन हुआ है उसका कार्य के इक्वल आपको दिखाना है, तो इसलिए आपको एनर्जी। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये आपको वीडियो लंबा हो रहा है या आपका ये थ्योरम जो है लंबा है, लेकिन आपको अगर आप इसको अच्छे से हल करेंगे, दो तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाँच नंबर आसानी से गेन कर सकेंगे, क्योंकि ये बार बार ये पेपर्स में आता है, ठीक है। तो क्यों आप पांच नंबर्स पाना चाहते हैं तो आप वीडियो पूरा देखें दोस्तों, प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों। फिर दिया आपको प्रति सेकंड एक्स सिरे से तथा वाई सिरे से निकलने वाली गतिज ऊर्जा, पहला पॉइंट है आपको गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का आपको सिंपल फार्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर एक सिरे की बात करेंगे तो वहां पर हाफ एम वी वन स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि उधर की वेलोसिटी कितनी है, वी वन है। अगर हम वी टू की बात करेंगे, वाई सिरे की बात करेंगे, तो वाई सिरे की क्या होगी, हाफ एम v2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि उधर की वेलोसिटी जो है v2 है, ठीक है। तो आप समझ गए दोस्तों, हाफ mv स्क्वायर आपका x सिरे की वेलोसिटी होगी, कैसी वेलोसिटी,
गतिज ऊर्जा आपकी होगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इधर की कितनी होगी, हाफ एम वी टी स्क्वायर होगी। अब दोस्तों अब आपसे ये अगला पॉइंट आता है कि इसका डिफरेंस है, मतलब वृद्धि हुई है। अगर आप बात करेंगे कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है कि आपकी मतलब कि कमी आई है, तो इसके बात करेंगे इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, तो इसमें इंक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों दोस्तों, आपको हमने बताया कि आपको जो पाइप्स रखी गई है, ये आपका हाइट क्या है H1 है, इसकी हाइट H2 है, तो आपका अगर पाइप के ऊपर से नीचे की ओर पानी आता है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका क्या था, बड़ा था, और इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा था, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी और गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, ओनली आपका किस पे, द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा किस पे, द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम तो आपका कॉन्स्टेंट है लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, वी पे, तो इसीलिए आपका एम वी टू क्या होगा, इसीलिए आपका वी टू जो होगा काइनेटिक एनर्जी वाई सिरे पर होगी वो आपकी ज्यादा होगी, और वी वन सिरे पर जो आपके एक सिरे पर होगा वो कम होगी, ठीक है। इसीलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी, चूंकि वाई सिरे की वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, चूंकि हम इसको वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हो रही ये आपको निकालना है। अगर हम बात करें दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट आता है आपको गतिज ऊर्जा, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा सब कुछ आपको निकालना होगा, तभी आप कन्फर्म हो पाएंगे उससे तुलना करने के लिए। तो आपको क्या होगा, स्थिर ऊर्जा में क्या होता है, एम जी एच फार्मूला होता है, आपको स्थिर ऊर्जा का फार्मूला पता होगा, वो होता है एम जी एच। तो अगर एक्स सिरे की बात करेंगे तो एम जी एच वन होगा, और वाई सिरे की बात करेंगे तो एम जी एच टू होगा। अब आप बात करेंगे कि कौन कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो इसमें कमी आई है। क्यों कमी आई दोस्तों, आपको जो पाइप्स होगा वो कैसा रखा है, तिरछा आपका ये रखा गया है, और इसकी हाइट एच वन है, इसकी हाइट एच टू है, लेकिन एच वन इज ग्रेटर देन एच टू है। तो और आपकी गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला एम जी, स्थिर ऊर्जा का फार्मूला आपका एम जी एच होता है, वो हाइट पर डिपेंड करता है। तो एच वन की हाइट क्या है, एच वन इज ग्रेटर देन एच टू, हमने आपको बताया, चूंकि पाइप्स कि उसकी H1 की हाइट ज्यादा है, तो इसलिए आपकी MgH1 आपके X सिरे की जो स्थिर ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी, Y सिरे की स्थिर ऊर्जा कम होगी। तो आपका X Y सिरे जाएंगे तो आपकी स्थिर ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है, तो इसलिए यहां पर कमी होगी। इसलिए हम सदैव किसको, ज्यादा को कम से घटाते हैं ना दोस्तों, तो MgH ज्यादा से में घटाएंगे तो MgH1 माइनस MgH2 ये आपकी क्या होगी, स्थिर ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और स्थिर ऊर्जा में आपके कमी हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट को आप। अब नेट ऊर्जा की बात करेंगे तो अब ये तो दोनों गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा हुई है, ठीक है। अब हम नेट ऊर्जा की बात करेंगे तो अब हम इसको गतिज ऊर्जा माइनस स्थिर ऊर्जा करेंगे। ऐसा क्यों, चूंकि आपकी अब भी कौन सी ऊर्जा ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आपकी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी वो कम हो रही, तो गतिज ऊर्जा में से हम माइनस कर देंगे किसको, इस पोटेंशियल इसी ऊर्जा को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको नेट ऊर्जा निकालना है। तो पहले हम आपको गतिज ऊर्जा निकालना है, फिर आपको इसी ऊर्जा निकालना है, उसके जस्ट बाद दोनों को अंतर करके नेट ऊर्जा निकालना है, क्योंकि हमने नेटवर्क निकाला, ठीक है, नेटवर्क कितना हुआ, अब हमको नेट एनर्जी चाहिए, कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, नेट एनर्जी, हमने आपको अगला पॉइंट क्या बताया कि ऊर्जा में वृद्धि द्रव पर किए गए कार्य के कारण होती है, किसके कारण, द्रव पर किए गए कार्य के कारण होती है। तो आपका द्रव पर किया गया कार्य द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका नेटवर्क कितना होगा, P1 माइनस P2 m बाई रो, हमने जस्ट अभी आपको पहले इसके निकाला था कि नेटवर्क आपने हमने ऊपर जस्ट बताया था कि P1 माइनस P2 कितना आया था, नेटवर्क P1 माइनस P2 इंटू m बाई रो, और काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी में अंतर कितना आया, m बाई हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू, ठीक है। ये आपका आया क्या दोस्तों, ये आपका आया है नेट एनर्जी में और नेटवर्क में क्या इक्वलिटी आपकी क्यों दिखाया गया, क्योंकि जो कार्य करेंगे वही ऊर्जा के इक्वल होगा, जितनी आपके पास ऊर्जा होगी उतना ही तो दोस्तों आप कार्य करेंगे, तो वही चीज यहां पर इक्वल कर दिया गया है, ठीक है। अब आप अगला पॉइंट क्या होगा, यहां पर दोनों तरफ आप एम देख रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ क्या है, एम आपका कॉमन है, यहां पर एम, ये भी एम, ये भी एम, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा P1 माइनस P2, इधर बचेगा दोस्तों हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्यों, ये रो को इधर भेज दिया गया है, इसीलिए दोस्तों ये रो को इधर भेजा गया, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, आपको हमने ये फार्मूला आपको सिद्ध करना था, इसीलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, ये एम क्या है, एम बाई रो दिया गया, एम एम आपका कैंसिल हो गया, रो इधर आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, P1 माइनस P2 है, अब हमको 1 को एक साइड और 2 को एक साइड, जो जो 1 है उसको एक साइड करना है और 2 को एक साइड करना है, तभी आपको इक्वल दिखाना है। तो P1 हो गया आपको एक साइड रखा, फिर यहां पर हाफ रो V2 स्क्वायर
है इधर है हाफ रो वी वन स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये माइनस है इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो इसी को हम लिख सकते हैं हाफ रो वी वन स्क्वायर। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों ये क्या है, अगला पॉइंट है रो जी एच वन है माइनस, और अगला पॉइंट है रो माइ प्लस रो जी एच टू, तो हमको क्या इधर लाना है, इस साइड में हमको वन का लाना है, तो इसलिए हमने रो जी एच वन जो है वो माइनस है इधर लाएंगे आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस रो जी एच वन हो गया। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि आप लिख सकते हैं इसको P2 को हम इधर लाएंगे, इस पक्ष में आपको लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस P2 था आपका हो जाएगा प्लस P2, ये आपको दोस्तों दिया गया है हाफ रो वी टू स्क्वायर, तो आपका इधर पॉजिटिव है तो आपने इधर ही रखा इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा हाफ रो वी टू स्क्वायर। और अगला पॉइंट दोस्तों रो जी एच टू, रो जी एच टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा दोस्तों माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा रो जी एच टू हो जाएगा। अब आप दोस्तों यहां देख रहे हैं हमने वन को एक साइड कर दिया, टू वाला पार्ट एक साइड कर दिया, अब हमने आपको बताया कि अगर जब दोनों साइड में सेम सेम आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट होती है, यही तो आपको दोस्तों प्रूफ करना था। यहाँ वन और टू मत देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ P1 है तो यहाँ P2 है, यहाँ हाफ रो वी वन स्क्वायर है तो यहाँ हाफ रो वी टू स्क्वायर, यहाँ पर आपको रो जी एच वन दिया है, यहाँ पर रो जी एच टू दिया है, तो दोनों तरफ क्या है सेम चीज है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो यही पॉइंट था दोस्तों आपको यही ये प्रूफ करना था, और दोस्तों आपको मतलब कि एक बार और आप समझ लीजिए, आपको यही मतलब कि समझना था कि पहला पॉइंट आपको क्या था कि पहला पॉइंट आपको वर्क करना था, वर्क को निकालने के जस्ट बाद नेटवर्क निकालेंगे, नेटवर्क के बाद आपको नेट एनर्जी निकालना है, एनर्जी के पहले आपको काइनेटिक एनर्जी, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या करना है आपको दोस्तों दोनों एनर्जी में क्या दोनों एनर्जी में डिफरेंस देखना है, अर्थात दोनों नेट वृद्धि कितनी हुई एनर्जी में उसको देखना है, फिर आपको नेटवर्क और नेट एनर्जी का दोनों का इक्वल दिखाना है, उसके जस्ट बाद आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपको रो प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और नीचे आपको एक पॉइंट और आपको समझाना चाहेंगे, अगर दोस्तों आपको जैसा कि पाइप्स की हाइट H1 और H2 दी गई थी, अगर इसी पाइप को क्षैतिज अवस्था में रख दिया जाए, ठीक है, अगर इसी पाइप को क्षैतिज अवस्था में रख दिया अर्थात H1 की हाइट और H2 हाइट क्या हो जाए सेम हो जाए, अर्थात H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H मान लिया जाए, तो आपका दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे तो रो जी एच जो होगा ये आपका दोस्तों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर रो जी एच1 होगा रो जी एच2 होगा और H1 H2 क्या हो गया H हो गया, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा इतना रो P1 प्लस हाफ P1 रो V1 स्क्वायर प्लस रो टू हाफ रो वी टू स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए दोनों तरफ सेम, तो आपका बचेगा क्या P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। यहां पर आपको फिर पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं की जाएगी, यहां पर आपसे प्रेशर एनर्जी एंड आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी, ठीक है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। हम आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमने आशा किया कि आपको यहां पर अच्छे से समझाने की कोशिश, और दोस्तों आप कोशिश करें कि एक दो बार अपने से रफ में एक बार दो बार इस क्वेश्चन को जो आपको हमने बर्नौली थ्योरम समझाया है इसको एक बार बुक से या इस वीडियो के साथ देखकर प्रैक्टिस जरूर करें। हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट होता है, पांच नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से दोस्तों लगाएं। और दोस्तों प्लीज अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करें, आप सभी वीडियो को क्रम से आप उसे पा सकते हैं, ठीक है, और हमारे करंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर रखें सभी वीडियो के लिए। धन्यवाद।